दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप फेसबुक पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज। दोस्तों आप फेसबुक का पेज कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा तरीका डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने फेसबुक को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपके सामने फेसबुक का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहाँ पे आपको 3 लाइनें नजर आ रही हैं, आपने इनके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद हो सकते हैं आपको पेजेस का यहाँ पे ऑप्शन शो हो या फिर आपको यहाँ पे नीचे भी पेजेस ऑप्शन शो हो सकता है, यहाँ पे भी इनमें से किसी जगह पे भी पेज का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूअर पेजेस पे आपने क्लिक कर देना है या फिर जहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन शो होगा। तो इसके बाद यहाँ पे क्रिएट पेज का, यहाँ पे पेजेस के ऊपर पेजेस लिखा है, नीचे क्रिएट लिखा है, क्रिएट पे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है क्रिएट यूअर पेज और यहाँ पे गेट स्टार्टेड, आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप अगर कोई पर्सनल ब्रांड वगैरह या फिर कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं या फिर आपकी कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम क्या है, ब्रांड का नाम क्या है, शॉप का क्या नाम है। तो अगर आप अपना पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं तो आपको अपना पर्सनल नाम लिखना है, अगर आप कोई शॉप क्रिएट कर रहे हैं तो आपको अपनी शॉप का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ अपने पेज का नाम साबिर टैग, तो मैंने नेम लिख दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह के बहुत सारे अकाउंट पेजेस वगैरह बन चुके हैं, तो यहाँ पे मैं इसको साबिर123 यहाँ पे मैं साबिर123 कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें पर्सनल ब्लॉग है या फिर आप कोई शॉपिंग रिटेलर वगैरह हैं या इस तरह से कुछ भी, यहाँ पे कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पे इसको पब्लिक फिगर कर सकते हैं आप या फिर आप कोई भी इसको जो है अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो मैं इसको पब्लिक फिगर कर देता हूँ और यहाँ पे है नेक्स्ट, आपने नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपसे मांगेगा कि क्या आपकी वेबसाइट है, अगर आपकी वेबसाइट है तो आपने यहाँ पे इंटर पे क्लिक करके वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपने कहना है यू डोंट हैव अ वेबसाइट, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे है ऐड कवर फोटो, तो यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक करके कवर फोटो यहाँ से अपलोड कर देनी है। मैं ये फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फोटो सिलेक्ट कर दी और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है आपने और ये आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। इसको आप किस तरह से यूज करना चाहते हैं तो इसको आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन है कि आप एक फेसबुक प्रोफाइल जो है मतलब पेज की प्रोफाइल है वो ऐड करें। तो आपने यहाँ पे क्लिक करके फिर आपने अपनी गैलरी में आ जाना है और यहाँ से आपने अपनी फोटो सिलेक्ट कर देनी है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है या फिर आप प्रोफाइल पिक्चर गार्ड यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीनशॉट कोई नहीं ले सकेगा। अगर आप यहाँ पे टिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपकी ये प्रोफाइल पिक्चर ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो जो है ये मतलब ऑफ हो चुका है, इस तरह से कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बस ये कोई स्क्रीनशॉट ले ना ले तो आपको इसको ऑफ करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहा है सेव का, आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पेज कुछ इस तरह से क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आपने डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद ये आपसे व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है, अगर आप व्हाट्सएप नंबर ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं ऐड करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप ऐड ना करें। तो यहाँ पे आपको ये इम्प्रूवमेंट वगैरह के स्टेप्स वगैरह दिखाएंगे, तो यहाँ पे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और यहाँ पे ये आप लोगों को एक ट्यूटोरियल वगैरह मिलेगा कि आप इस तरह से इसकी पेज की सेटिंग्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फेसबुक का पेज क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट अ स्टोरी, और यहाँ पे जो है अब आप अपनी पोस्टें वगैरह लगा सकते हैं। और ये जो चीजें हैं आप लोगों को थोड़ी बहुत मिलेंगी कि आप अपने दोस्तों को इन्वाइट करें और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह से आप फिर पोस्टें भी लगा सकते हैं, आप अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा टेक्निकल साबिर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी न्यू आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।